हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं अपने चैनल पे एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ भुवनेश्वर शहर के ओल्ड टाउन एरिया में अवस्थित एक प्राचीन मंदिर, जिसको के मंगलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये ब्लॉग। ये देखिए, उस मंगलेश्वर महादेव का बोर्ड लगाया गया है ASI के तरफ से। इसमें लिखा गया है मंदिर का नाम, और ये 14वीं शताब्दी का मंदिर है। एक बढ़िया पत्थर मूर्ति यहाँ पे रखा गया है इसके सौंदर्यकरण के लिए। ये देखिए, इस मंदिर का गेट यहाँ से दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इस मंदिर का गेट यहाँ पे किया गया है, लेकिन इसका ऐसा कुछ निर्धारित स्थान नहीं है, पेरिमीटर नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं सामने जो बड़ा मंदिर आपको दिखाई दे रहा है वो लिंगराज मंदिर है। और ये पूरा एरिया ऐसा खुला पड़ा है जहाँ पे कि स्ट्रीट वेंडर्स, फास्ट फूड, जो गोलगप्पे का दुकान है वहाँ पे लगाए हैं। और ये जो देख सकते हैं आप, ये जो ग्रीन कलर का बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है सामने रोड के उस पार, तो ये BMC हॉस्पिटल है। ओल्ड टाउन एरिया में BMC हॉस्पिटल यहाँ पे है, वो मेडिसिन दुकानें हैं। और पापनाशिनी कुंड है, ये पापनाशिनी कुंड के दक्षिणी किनारे पे ये मंदिर अवस्थित है। आपको अभी मैं पापनाशिनी कुंड दिखा रहा हूँ। वहाँ पे उस दूर में वो बोर्ड लगाया गया है, आपको अभी जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, पापनाशिनी टैंक लिखा गया है। तो यहाँ पे उसके किनारे पे ये मंदिर अवस्थित है। ये वो मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है। ये 14वीं शताब्दी गंगावंशीय राजाओं के दौरान ये मंदिर आ गया है ऐसा माना जाता है। और ये मंदिर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लैटराइट स्टोन में बनाया गया है। ये एक छोटा सा मंदिर है और ये पूर्व के दिशा के ओर इसका मुंह है। और ये अभी रोड से आप देख सकते हैं, रोड का लेबल ये है। और मंदिर पूरा नीचे यहाँ पे है, तो अंदाजन ये 2 मीटर के पास ये मंदिर रोड के लेबल से 2 मीटर नीचे ये मंदिर होगा। चलिए उसके नीचे मैं आपको जाके दिखा देता हूँ इन डिटेल्स। ये यहाँ पे स्टेप्स की गई है। ये देख सकते हैं आप, ये नंदी यहाँ पे उनको स्थापित किया गया है। और सामने उनके एक तुलसी का कुंड रखा गया है, तुलसी पौधा यहाँ पे पूजा जाता है। और ये सामने आप देख सकते हैं बेल का जो वृक्ष है वो है, और एक चंपा का पेड़ भी यहाँ पे है। और ये मंदिर का पूरा सामने वाला भाग मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से उस मंदिर का दृश्य ऐसा दिख रहा है। तो चलिए फिर एक साइड से मैं आपको पहले बाहर का दृश्य दिखा देता हूँ, फिर अंदर का दृश्य आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, इसमें इतना नक्काशी कारुकृति नहीं है, ये पूरा प्लेन मंदिर है चारों ओर से।
ये देखिए, ये पिलर जो है खिड़की के तरह किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा ये तीन पिलर्स जो है ये सैंडस्टोन से बनाया गया है, लेकिन बाकी सब जो है आप देख सकते हैं ये लैटराइट स्टोन से किया गया है। यहाँ पे देखिए विमान डेवलप है, वहाँ पे कोई पार्श्व देवादेवी नहीं है। तरफ जो सिंह का मूर्ति होता है वो टूट गया है, सामने खाली वो है सही सलामत। यहाँ पे पीछे वाले भाग में अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी वो सिंह का मूर्ति टूट गया है पूरा। और ये देख सकते हैं दूसरे साइड में भी कोई पार्श्व देवादेवी नहीं है, ये पूरा प्लेन दीवारें हैं। और यहाँ पे भी वो सिंह का मूर्ति नहीं है, टूट गया है। हम आ गए हैं जगमोहन एरिया में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीने का पानी की व्यवस्था की गई है, हाथ मुंह धोने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है, पाइप से इसको लाके यहाँ पे किया गया है ये व्यवस्था। तो चलिए अभी मैं आपको ये मंदिर का भीतर का दृश्य आपको दिखाने ले रहा हूँ। यह अभी द्वार के सामने वाले भाग में यही एक मूर्ति है, बाकी सब प्लेन पत्थर है, कोई नक्काशी नहीं है। ये मूर्ति ऊपर के भाग में है, शायद देवी लक्ष्मी होंगी। और ये शिव जी का फोटो यहाँ पे लगाया गया है। और इस तरफ ये मूर्ति है। तो चलिए अभी अंदर का भाग में आपको दिखाने ले रहा हूँ। ये ऊपर देखिए आप नवग्रह है। और ये उसका छत का एरिया है। त्रयम्बकं जजामहे सुगंधिं पृष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुख्यमामृतात्। इस तरफ के द्वार में ऐसा मूर्ति है और उस तरफ। और ये बाबा मंगलेश्वर का दिव्य दर्शन आप कीजिए। यहाँ पे खाली योनि पीठ है लेकिन उसमें लिंग नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय। अमर जौज सही जन्म न सत्म अमृत ये सत्य प्रजाना प्रलय तम गुणी अजाय सर्व श्रुति नाश हेतवे त्रयंबयाय त्रिगुणात्मने नमः। शशि लंचित रंजित सन्निकुटम कटि लंबित सुंदर कृत पटंसुर शैबाली निकृत पुट जटं प्रणमामि शिवम शिव कल्पतरु गिरिराज सुतन्नित बाम तनुतनु निंदित राजित कोटि विधु विधु विष्णु शिवन्निता पाद जुगं प्रणमामि शिवम शिव कल्पतरु प्रभु मिष मनीष अशेष गुणम गुणहीन महिष गलाभरणम रण निर्जित दुर्जय दत्य पुरं प्रणमामि शिवम शिव कल्पतरु। ओम नमः शिवाय। जैसा कि मैंने बोला था कि ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। यहाँ पे शिव जी के मंदिर में जो जो सब पूजा किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, यहाँ पे वो सब पालित होता है, सेलिब्रेशन होता है। मकर, जैसा कि मकर संक्रांति है, रुद्राभिषेक है, जलाभिषेक है और शिवरात्रि है, तो यहाँ पे वो सब अनुष्ठित किए जाते हैं।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में मैंने जैसा कि बोला था ये मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है, तो ये मंदिर मैंने आपको पूरी तरह से दिखा दिया है, इसके चारों तरफ घुमा के ये मंदिर कैसा है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और इसके बारे में जो भी मुझे जानकारी थी वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को और आपके जान पहचान के लोगों में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि ऐसा एक मंदिर भुवनेश्वर शहर के ओल्ड टाउन एरिया में अवस्थित है। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से मुझे एक पॉजिटिव प्रोत्साहन मिलती है कि इस तरह के वीडियो में भविष्य में बनाऊँ आपके लिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।